नमस्कार सारे राजाओं को, राजा बनना है। चलें इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप जानेंगे घर में रखे सामान के बारे में, जैसे टीवी, जैसे आपका कोई स्टोर रूम, जो वॉशरूम, स्टोर रूम, इस तरीके की चीज़ें जो आपके अलग अलग लोकेशंस पे आती है। तो सारी चीज़ों के बारे में एक छोटे से इंसाइट्स इस वीडियो में। चलिए जमे रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो में, ताकि आप छोटी छोटी बातों को क्लियर कर पाएं। धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र मनोहर शिंदे, कल्याण से मैं आया हूँ यहाँ वास्तु गुरु जी का कोर्स करने के लिए। गुरु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, जिसमें सभी के लिए उसका फ़ायदा और बेनिफिट रहेगा। बाकी उन्होंने जो भी 45 देवताज 16 जोन के बारे में बताया, वो काफ़ी अच्छे से समझाया है, और उसमें रेमेडी कैसी करनी है ये भी बताइए, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आज जिस विषय के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, वो विषय है, छोटा सा ही विषय है, कि हमारे घर पे रखे हुए सामान है ना, या हमारे घर पे रखे हुए वो जोन्स पे वो एक्टिविटी किस तरीके का प्रभाव डालती है। इस पे मैं एक छोटी सी अपनी रिसर्च इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये कुछ भी चीज़ें हैं जो अलग अलग जोन्स पे रहती है। 16 जोन्स हमने बात करी थी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये 16 जोन्स को। तो 16 जोन्स हमने बात करी है, हमने आर्किटेक्चरिंग के बारे में बात करी है, मतलब किस तरीके से घर का निर्माण होता है, उसमें अलग अलग देवता, अलग अलग एनर्जी फील्ड्स उसमें डेवलप होती है। इस तरीके की हमने बहुत सारी बात करी है, जो पिछले VFC वास्तु फाउंडेशन कोर्स की जो ये सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने सुना है काफी बार। इसमें एक छोटी सी बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा, ये हमारा एक मनोभाव होता है। मनोभाव क्या है? जो जो इंसान के अंदर की जो भावना है, उसे मैंने बार बार कहा और आज भी मैं उसी बात को कह रहा हूं, ये है उसका मनोभाव, जो उसके अंदर से आने वाला भाव। और ये चीजें क्या करती है, ये उसके ऊपर भारी प्रभाव डालती है। एक मनोभाव के ऊपर एक प्रभाव डालती है। आप इस चीज को थोड़ा सा बार बार सुनेंगे, व्यक्तिगत रूप से समझने आने लगेगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अब यही बात एक टीवी के बारे में हम ले लें। पहले जमाने में टीवी कहते थे टेलीविजन सेट को, अब आजकल एलईडी टीवी कहते हैं। तो एलईडी टीवी के बारे में एक छोटी सी राय, अगर तो ये नॉर्थ के अंदर रखी हुई है तो ये एक प्रभाव क्रिएट करेगी। वो प्रभाव है कि हमें शेयर मार्केट में या शेयर मार्केट की न्यूजेस को देखना है, एक ये प्रभाव क्रिएट करती है। इसमें आप इसका डिश एंटीना को भी ले सकते हैं और इसके साथ एलईडी भी ले सकते हैं, जैसे कई लोगों के यहाँ टाटा स्काई लगा होता है ना, तो टाटा स्काई का या किसी और भी कंपनी डिश टीवी का जो एंटीना है, अगर वो नॉर्थ पे है या टीवी आपके घर पे नॉर्थ जोन पे रखी हुई है, तो आपके अंदर ये प्रभाव आएगा इन चीजों से कि अपने को शेयर मार्केट पे या पैसे बनाने के लिए जो भी चीज टीवी के माध्यम से काम आती है, वहां से हमको उस चीज को क्रिएट करने की कोशिश है। वही चीज NNE का जो जोन है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जो जोन है, उस जोन में लिखी रखी होगी तो हम उसी तरीके के कुछ शोज देखेंगे जिसमें उपचारों के बारे में बताया होगा। इसी तरीके का एक प्रभाव ये क्रिएट करेगी, ये गलत किसी भी प्रकार से नहीं है। अगर एनी के अंदर रखी होती है तो हम रिलीजियस शोज को देखते हैं। एनी के अंदर अगर ये रखी रहती है तो हमें रिलीजियस शोज देखने का बड़ा मन करता है। अगर ENE के अंदर रखी होती है तो हम हर टाइप के देखते हैं, जो एंटरटेनमेंट से ज्यादा रिलेटेड होगा तो हम इसी तरीके के शोज को ज्यादा देखना पसंद करेंगे। अब टीवी के बारे में चर्चा चल रही है तो मैं उसी में बता रहा हूँ। ईस्ट पे रखी होगी तो सास बहू के ड्रामे वाले जो सीरियल होते हैं, वो एक प्रभाव, मनोभाव अंदर से आएगा। एक प्रभाव के वजह से आपके अंदर का मनोभाव होगा कि आप इस तरीके के सीरियल्स को देखें। ESC के अंदर रखे होंगे, मैंने ये सारी चीजें प्रैक्टिकल रिसर्च से निकाली है, तो आप अपने सिम्टम्स और टीवी के जोन्स को मैच कीजिएगा, बड़ा मजा आता है, और इस तरीके का ही मैंने देखा है। और ESC में होगा तो CID, मिस्टीरियस शो, ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो शोज होते हैं उस पर व्यक्ति काफी समय बिताता है, उस तरीके के शोज देखता है। ऐसी में रखा होता है तो कैश रिलेटेड शोज, वही बात, शेयर मार्केट की बात कर लें या कुछ भी ऐसा जो कैश से रिलेटेड है, उन चीजों के वो शोज देखता है, उन सब चीजों को ज्यादा वो टीवी पे देखता है। SSC पे रखा होता है तो डेयर डेबल्स वाले जो शोज होते हैं, खतरों के खिलाड़ी जिसे कहते हैं, वो देखने में बड़ा खुशी उसे महसूस होती है, उसको वो प्रभाव ज्यादा आ जाता है। उसके अलावा साउथ पे रखा होता है तो नेम एंड फेम के शोज जो होते हैं, जो भी एक व्यक्ति के बारे में बताता है ना, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जैसे जो शोज होते हैं, कि वो व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा, कैसे उसने ये सारी चीजों का अचीवमेंट किया, इस तरीके के शोज लोग ज्यादा देखते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में रखा रहता है, जो मैंने प्रभाव देखा है इसका, वो ये है कि वो जो देखेगा वो उसको बाद में एक ही चीज रियलाइज होती है कि मैंने अपना समय वेस्ट किया, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, ये मैंने देखा है। साउथ वेस्ट पे अगर रखा होता है टीवी तो साउथ वेस्ट में स्किल
स्किल के अलावा रिलेशनशिप के कुछ शोज वो देखने की बड़ी कोशिश करते हैं। स्किल रिलेटेड शोज जैसे कैसे बनाना, खाना बनाना, कुछ भी बनाने का जो शो होता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आजकल तो सब कुछ लग जाता है। वेस्ट साउथ वेस्ट में एजुकेशनल शोज काफी लोग देखते हैं। इसके अलावा वेस्ट के अंदर शेयर मार्केट, अगेन इस तरीके से इसका या तो डिश एंटीना लगा होगा या टीवी लगा होगा, तो ये प्रभाव आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर इस मनोभाव को चेंज करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कोई भी चीज, गुड और बैड, नथिंग गुड नथिंग बैड, कुछ भी देखता है इंसान डिप्रेशन के जोन में। एक्चुअल में वो देखता ही टीवी इसलिए है क्योंकि वो काफी डिप्रेस फील करता है, इसलिए वो दिन भर टीवी ही देखता रहता है। ये एक मैंने प्रभाव पड़ा था। नॉर्थ वेस्ट पे गुड फॉर फैमिलीज, एक घर के अंदर अगर नॉर्थ वेस्ट पे टीवी लगा रहता है तो सारे फैमिली मेंबर्स अगर यूनाइटेड होके, और वहां देखा भी गया कि वो लोग यूनाइटेड होके ही वहां देखते हैं टीवियां, तो वो टीवी में एक दूसरे से जेलिंग काफी अच्छी हो जाती है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने नीचे लिखा है, ए रेटेड शोज को ये देखेगा। अब हम सेकेंड उस पर आ जाते हैं। अब एक बात आती है, कई बार मेरे से ये प्रश्न उठता है कि अगर बाथरूम है ना अलग अलग जोन्स पे बना हुआ है तो आपके हिसाब से उसका क्या प्रभाव है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये वीडियो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बाथरूम में कौन सी ऐसी पट्टी मारे ताकि उसका प्रभाव कम हो जाए। मैंने बहुत अच्छे से इसे डिफाइन करने की कोशिश करी है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। नॉर्थ के अंदर अगर आपका वॉशरूम है तो मनी एज अपॉर्चुनिटीज को ये ब्रेक करेगा, नहीं मिलेगा, ब्लॉक करेगा, ब्रेक भी करेगा, ब्लॉक भी करेगा, नए अवसर नहीं मिलेंगे, नया काम मार्केट में नहीं है, इस तरीके का मनोभाव आता है। मार्केट में नया काम कोई दे ही नहीं रहा या अपने को नया काम मार्केट में नहीं मिल रहा है। बहुत आसान है, कोई उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्लू कलर की या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से उसे ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रिप लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक को फॉलो करके आप स्ट्रिप ले सकते हैं। आपके घर में हमारे द्वारा स्ट्रिप पहुंचा दी जाएगी। सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब इस प्रभाव को आप कम होते हुए अपने अंदर देखते हैं और आपका मनोभाव वापस से काम करने लग जाता है तो एक छोटा सा रिगार्ड दे दिया करें वास्तु गुरु जी को, जो कि आप लोग हमेशा ही देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों का मनोबल भी बढ़वाइए, मनोबल है ना एक और शब्द, मनोबल। जैसे ही प्रभाव खत्म होता है इंसान का मनोभाव तेज होता है और उसका मनोबल बढ़ने लग जाता है। छोटा सा हिंदी के ही वर्ड्स है, तो बढ़ता है तो वो ग्रोथ के रास्ते में चले जाता है। और ग्रोथ कैसी, ग्रोथ कैसी, सबसे बड़ी बात की ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ कुछ नहीं होती, ग्रोथ एक इंसान को अपने आपे में रखने का एक क्रिया है। क्रिया जब वो अपने आपे में नहीं रहता, एक बात है ना, हमें ज्यादा गुस्सा आ जाता है हम अपने आपे में नहीं रहते, हम क्रोधित हो जाते हैं, या हम ज्यादा ही खुश हो जाते हैं तब भी हम आपे में नहीं रहते, दोनों वाइस वर्सा। तो आपे में जो चीज नहीं रहती ना, तो उसे हम कहते हैं कि उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। वो अननेसेसरी बातों पर लड़ाइयां कर रहा है, अननेसेसरी के डिसीजन ले रहा है, ऐसी सब बातें मैंने देखी जब वो आपे में नहीं रहता। और जब वो आपे में रहता है और जब वो खुश रहता है या जब वो अपने सीक्वेंस को जी रहा होता है जिसके लिए उसे मानवीय जीवन मिला है, तो वो अपनी आयु तक छू जाता है और उसे कई लोग ग्रोथ कहते हैं। मैं कहता हूं वो तो अपने एक समय को एंजॉय किया उसने, और उसी एंजॉयबल मोमेंट के साथ उसने दूसरों का भी काम किया, खुद के लिए भी कुछ कमाया और एक अच्छी वेल्दी लाइफ जी रहा है, क्योंकि आज सब कुछ मोनेटाइज हुआ है। तो आज हमारे लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए एक छोटी सी राय थी। बाकी एनएनई के अंदर अगर आ रहा है तो ये हेल्थ इश्यूज 100% देता है। मनी ड्रेन हेल्थ इश्यूज के वजह से होती है, इसको बैलेंस करने के लिए ब्रास की स्ट्रिप का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है तो ये आपका जितना ब्रेन के थॉट्स हैं उसको ड्रेन कर देता है, क्योंकि वॉशरूम क्या चीज करता है, एक टॉयलेट सीट क्या करती है, टॉयलेट सीट पे ही हम ज्यादा चर्चा करेंगे, तो वो ड्रेन कर देती है ना आपके वेस्ट प्रोडक्ट को, जो भी आपके बॉडी से वेस्ट निकलता है उसे वो बाहर निकालती है ना। तो ये चीज आपके थॉट्स को खत्म कर देता है। ये हमेशा कहा गया है कि इसे निकाल दीजिए। ये एक्चुअल में फर्स्ट जनरेशन जिस मकान में कोई व्यक्ति रह रहा है उसके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डालता, डालता है उसकी सोच पे प्रभाव डालेगा, पर सेकेंड जनरेशन जो उसी घर पे जो दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ है, जो भी इंसान आगे उसमें जन्म लेगा, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए ये लोगों ने कहा कि इसे रिमूव कर दीजिए। मैंने भी काफी क्लाइंट्स के रिमूव कराए हैं। अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो एक सफेद कलर की उस पर चादर डाल दीजिए, ये तो कम से कम आप कीजिए। और अपना प्रभाव खत्म होते हुए आपका मनोभाव कहां तक पहुंचा, जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, या आगे आने वाले इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। ईएनई के अंदर इफेक्ट जो है वो आपके हैप्पीनेस और इम्यूनिटी में आता है। इम्यूनिटी की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो पर्जन्य देवता है, देवताओं के भी इनसाइट्स में दे रहा हूं, जो पर्जन्य देवता है वो आपका इम्यून सिस्टम है। जो पैसे आप बचा के रखते हो ना, एक व्यक्ति अपने
गर्भ में, एक एक ह्यूमन एक अपने गर्भ में बच्चे को जब पैदा करता है तो उसका भी जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी परजन्य के वजह से आता है। इसलिए मैंने यहाँ इम्यून सिस्टम और हैप्पीनेस को लिखा। इसको बैलेंस करने के लिए आयरन स्ट्रिप का यूज़ कीजिए। इसके अलावा ईस्ट में सोशल स्टेटस होता है, कई बार कहा गया है, तो ये आपकी सोशल कनेक्टिविटी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। इस पे कॉपर का उपयोग कीजिए। कई लोग कहेंगे कि कोई भी जोन है, किसी भी पट्टी को मार रहने की बात कर रहे हैं, तो मैं भी एक ही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने मनोभाव, अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तु गुरु जी की रिसर्चेस बहुत अच्छी है, तो लगा के देखिए कि क्या उसका प्रभाव आपके जीवन से खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरी रिसर्चेस हैं, प्रैक्टिकल रिसर्चेस हैं, इस पे मैंने रिजल्ट्स लिए हैं, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं किसी जोन का आगे का एलिमेंट पीछे, पीछे का एलिमेंट आगे, इससे मैं बात ही नहीं करता। मैं बात करता हूं देवताओं के पावर के साथ, और देवताओं का जो पावर है वो किस तरीके से डीमोटिवेट होता है या मोटिवेट होता है, वही चीज। जब देवता आपके ऊपर हावी होते हैं तो आप प्रैक्टिकल वे से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, जैसी उनका डिसइफेक्ट हावी होना लग जाता है आप थ्योरिटिकल वे से कहीं और निकलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को रोक लेते हो। तो कहीं ना कहीं मैंने इस पे कॉपर का उल्लेख किया है, लगाइए, आप शेयर कीजिए अपनी बातों को भी। ईएससी के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, गुड फॉर होम्स, पर मैं बिजनेस पे इसे नहीं लगाने का सजेशन देता। मैं बिजनेस पे इसलिए लगाने का नहीं सजेशन देता क्योंकि ये गुडविल भी यहीं से क्रिएट होती है, ईएससी से। जिस इंसान को अपनी गुडविल की चिंता है, वो चिंता कहाँ से आई, ईएससी से। तो चिंता अगर गुडविल की रहेगी वही मार्केट में सर्वाइवल करता है। तो मैं सिर्फ ऑफिसेस, बिजनेस प्लेसेस पे लगाने की सलाह नहीं देता, घर पे लगा सकते हैं, वहां पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता इसका, तो लगाया जा सकता है। इसके अलावा एसी में तो कभी ना लगाएं, एसी में कैश को ड्रेन करता है ये। इसके अलावा लिक्विडिटी क्रंचेस बहुत ज्यादा पैदा कर देता है, और बैलेंस करने के लिए आयरन या एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं आप बताइएगा कैसे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एसएससी के अंदर, एसएससी पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन, वहां आपके कॉन्फिडेंस को ड्रेन करेगा, हमेशा आप लेथार्जिक लगते हैं, है ना। आप जैसी फीलिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, जो फीलिंग्स आती है इस तरीके के लोकेशंस में होने पे, थोड़ा सा इंसान की ह्यूमन बॉडी में लेथार्जीनेस ज्यादा हैवी हो जाती है। पेमेंट्स को तो ये पहले ही खत्म कर देता है क्योंकि मांगने की इच्छा ही नहीं होती, तो पेमेंट्स को भी ये काफी हद तक ब्लॉक करता है। इसको भी अगर बैलेंस करने की इच्छा है तो कॉपर के साथ बैलेंस कर सकते हैं, और जो मनोभाव आएगा वो मैंने लिखा है। साउथ के अंदर आपके नेम एंड फेम को खत्म करता है, इसको बैलेंस करने की है तो एल्यूमिनियम से बैलेंस कीजिए। अब साउथ के अंदर एल्यूमिनियम क्यों यूज किया गया, ये मैंने प्रैक्टिकली निकाला है, आप में से किसी का मनोभाव है तो लगा के देख सकता है, और प्रभाव खत्म होते हैं तो प्लीज, बार बार कह रहा हूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कीजिए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी बातों को शेयर कीजिएगा कि कैसा प्रभाव रहा। इसके अलावा साउथ साउथ वेस्ट ये अच्छा है, सब जगहों के लिए अच्छा है, सिर्फ आर्टिस्ट के लिए अच्छा नहीं होता ये लोकेशन। अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई मूवी में काम करना चाहता है, कुछ भी प्रकार का आर्टिस्ट है, कोई हारमोनियम बजाता है, कुछ बजाता है, तो इस लोकेशन पे उसे ना लगाया जाए। बाकी आप इसके दूसरे लोकेशन पे या पहली बताई हुई लोकेशन पे भी यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट के अंदर आपके स्किल्स को ड्रेन करता है, इसको अगर बैलेंस करना है तो कॉपर से बैलेंस कर लीजिए। वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर एजुकेशन और सेविंग को ड्रेन करता है, एजुकेशन और सेविंग दोनों चीजें यहीं से प्रभावित होती है, आपका बचाया हुआ धन और आपकी पढ़ी हुई नॉलेज, दोनों की दोनों चीजें वेस्ट साउथ वेस्ट के थ्रू आती है, उसको हैम्पर करता है। बैलेंस करना चाहे तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप से बैलेंस कर लीजिए। वेस्ट के अंदर ये आपकी सेविंग्स को ड्रेन करता है, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स को ड्रेन करता है, जो आप कमा के लाते हैं वो पैसा नहीं बचता, ये इस तरीके की जो फीलिंग आती है, पैसा ही नहीं बच रहा बचता, तो ये जो फीलिंग है ये वेस्ट के थ्रू आती है। यहां पर अगर है तो एसएस के साथ लगाइए इसे, लगा के स्ट्रिप पूरी की पूरी लगाने की कुछ वीडियोस पहले भी बने हुए हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो देखना चाहे तो देख लीजिए। तो लगाएगा कैसे वो भी आपको बताया गया है। इसके अलावा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये गुड है दोनों जगहों के लिए। डिप्रेशन हमेशा बाहर निकलना चाहिए, वेस्टेज हमेशा बाहर निकलना चाहिए, ये एकमात्र जोन है जो बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम करता है और घरों में भी काम करता है। पर कई बार प्रॉब्लम्स ये आती है कि एक जगह पे चार पांच वॉशरूम्स होते हैं, तो हमें अलग अलग लोकेशंस को भी यूज करना चाहिए। यूज कर सकते हैं हम इसके प्रभाव को, अपने मनोभाव को वापस से रीस्टेट करने के लिए इन चीजों का उपयोग करके इसे खत्म किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर नो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, एक ऐसी फीलिंग, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, ऐसी एक फीलिंग। हेल्थ इश्यूज भी हल्के फुल्के रहते ही हैं क्योंकि सपोर्टिव नहीं होगा तो इंसान का थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है, आप ऐसे कर लीजिए। और एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आती है अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट है, तो एक डिसऑर्डर होता है नर्वस सिस्टम का, ड्यू टू इम्बैलेंसेस, है ना, जो दिमाग की। और ये रुद्र एक देवता बहुत हैम्पर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट देवता है ये,
तो ये जो देवता है, इस वजह से नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर जो होता है, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ये होता है। बैलेंस करने का सरल सा उपचार है, कॉपर की स्ट्रिप से इसे बैलेंस कर लीजिए। नॉर्थ वेस्ट, इसके इफेक्ट आपकी फैमिली लाइफ आगे बढ़ने से रुक जाती है। इसको आप खुद ही अपने दिमाग से, अपने प्रभाव से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा स्टोर रूम का अगर प्रभाव, इसको देखिए, स्टोर रूम मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर से हटा लीजिए, अगर पॉजिटिव लोकेशंस पे है तो। इसका कोई बैलेंस का तरीका मुझे आज तक नहीं समझ में आया। हाँ, इसके प्रभाव क्या आते हैं, अगर स्टोर रूम नॉर्थ के अंदर बना होगा तो नया काम ही नहीं आता, ऐसे करके क्लाइंट कई बार कहता है, और जैसे ही वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है, मेरे को समझ में आता है नॉर्थ के अंदर या तो उसका स्टोर रूम बना है या फिर कोई मेसी थिंग्स रखी है। अगर आप इसे व्यवस्थित कर लेते हैं, अभी शुरुआती दौर पर हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसे प्रॉपर वे से व्यवस्थित कर लें, आप जैसे फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, अगर इस तरीके के शेल्फ बना के भी अगर आप अपने सामान को व्यवस्थित कर लेते हैं तो अभी कुछ चीजें संभलती हुई नजर आएंगी। वैसे ही NNE के अंदर चल सकता है, पर साफ सुथरा रखिए। NNE के अंदर चल सकता है स्टोर रूम, साफ सुथरा रखिए। ENE के अंदर इंजॉयमेंट करने में बड़ी अड़चने आती है, इसके ऊपर भी मैंने लिखा है, नहीं गुड अच्छा नहीं है, आप हटा लीजिए इसे। ENE की मैं बात कर रहा हूं। ईस्ट के अंदर सोशल इश्यूज आते हैं, हर समय ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। मैंने देखा है कि कई लोगों ने कहा जी दिन भर आना जाना लोगों का लगा रहता है, समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, पर कोई काम ही नहीं होता हमारा। तो ये साउथ ईस्ट, ईस्ट के अंदर अगर स्टोर रूम बना है तो ऐसा प्रभाव है। ESC के अंदर लगा सकते हैं, पर वही है, नींद नहीं आती, दिमाग का एरिया होता है ये ESC, आपको मैंने बार बार कहा ना, मंथन का एरिया होता है, आपकी गुडविल का एरिया होता है, अगर यहां पर होता है तो नींद नहीं आती, एक प्रॉब्लम मैंने कई बार क्लाइंट के मुंह से सुनी है। इसके अलावा कुछ ऐसा प्रभाव मैंने नहीं देखा, पर चीजें रखें तो व्यवस्थित करके रखें तो आप उसको देख सकते हैं। ऐसी के अंदर कभी ना बनाए, वो हमेशा पैसे फंस जाते हैं, इस तरीके की स्टोरी होती है जब भी क्लाइंट की काउंसलिंग मैंने की है, तो उसका यही कहना है जी पैसे फंस गए। पैसे फंसते नहीं है, वो पैसे रुक जाते हैं और क्लाइंट उसको अपने पास रख लेता है, जो सामने वाला है जिसको मेरे क्लाइंट ने पैसा दिया है। तो ऐसा है, ये गुड नहीं है, इसे हटाया जा सकता है। व्यवस्थित इस जोन पे तो करिए ना, इसको साफ सुथरा रखिए। लाल बल्ब भी पहला बोला गया है, मैं नीला बल्ब भी बोल देता हूं, या येलो बल्ब भी जला सकते हैं, इसके अंदर ग्रीन बल्ब भी जला सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के चार नेचर होते हैं, अलग अलग नेचर के हिसाब से मैं इस जोन को यूज करता हूं। इसके अलावा SSC कॉन्फिडेंस का जोन है, यहां पर हमेशा व्यवस्थित रखें। कॉन्फिडेंस गिर जाता है अगर स्टोर रूम वहां बना होता है, इसको व्यवस्थित रख भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। साउथ के अंदर आपकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए हैम्परिंग होती है, एक भाव मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए आता है कि क्योंकि स्टोर रूम वहां पर बना हुआ है, स्टोरेज जहां पर भी आएगी वो एक ब्लॉक को क्रिएट कर देगी, आप और आपके रिकॉग्नाइजेशन के बीच में क्या ब्लॉकिंग आ रही है कि मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ऐसा प्रभाव आता है, उसके मनोभाव में आता है, उसके भाव में ऐसा प्रभाव। इसके अलावा साउथ साउथ वेस्ट की अगर बात करें, है ना, यहां पर बनाया जा सकता है, पर फिर भी एक ही चीज का भाव आता है हमेशा, मेहनत तो बहुत करता है, सब का सब मतलब खत्म हो जाता है, इस तरीके का प्रभाव जो मैंने काफी बार सुना है कि मेहनत तो बहुत करता हूं पर सब धरा का धरा ही रह जाता है, ऐसा कोई प्रभाव है, तो ये साउथ साउथ वेस्ट के वजह से आता है, इसको भी हटाया जा सकता है। व्यवस्थित कर लें, बेच दीजिए, कोई सामान काम का नहीं है, घर पे रख के वो कार्टून वो फुट्टे कुछ काम आने नहीं है, निकाल दीजिए उसे, कुछ ना कुछ कैश की इनकम हो जाएगी। साउथ वेस्ट के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिलता, है ना, और इसको भी आप साफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर दिमाग के ही साथ के पूरे के पूरे इक्वेशन यहां पर भी गवन होते हैं, है ना, तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ऐसी एक फीलिंग मैंने काफी बार सुनी है, तो ये जो भूसा नहीं भरा है, ये एक्चुअल में स्टोर रूम वहां भरा हुआ है वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर, और वो चीजें बिखरी हुई हैं, तो इंसान बोलते बोलते में बोल जाता है कि तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, तो ये भी बेकार है, इसे भी रिमूव कर लीजिए। बेकार या सही, आप अपने अब चेतन मन से इसका फैसला कीजिए, अगर आपके ऐसे थॉट प्रोसेस हैं तो रिमूव कर लीजिए, थोड़े दिन के लिए रिमूव कर लीजिए या व्यवस्थित कर लीजिए। उसके अलावा वेस्ट के अंदर सब प्रॉफिट कहां गया पता नहीं चलता, तो जो हालत है स्टोर रूम की वो बहुत ही ज्यादा मैसी हो रखी है, कोई भी सामान जो स्टोर रूम के अंदर चले गया उसको लोग खोज ही नहीं पाते, ये वेस्ट के अंदर अगर होगा तो इस तरीके का प्रभाव आता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर गुड भी है, नहीं भी अच्छा है, क्योंकि ना मैं डिप्रेशन को हमेशा बाहर निकाल के रखना चाहता हूं, तो मैं स्टोर करके नहीं रखना चाहता। नॉर्थ वेस्ट के अंदर
टाइम पे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ये एक मनोभाव है जो इसके अंदर आता है। क्लीन कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए या फिर अभी निकाल दीजिए। और वेस्ट, नॉट नॉर्थ वेस्ट के अंदर नॉट गुड, बाकी आप समझदार हैं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर से एक बार, राजा बनना है तन मन धन से और बहुत सारा प्यार वास्तु गुरु जी को देने के लिए धन्यवाद। आगे के चैप्टर्स पे हम ये सब चीजों के बारे में, अभी मैं नोट्स बना रहा हूं, इसकी चर्चा कर लेंगे कि कैसे फ्रिज का एक प्रभाव होता है जो मनोभाव के अंदर आता है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें इसमें लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी है। ये 3-4 सीरीज के अंदर इसे फिनिश कर लेंगे ताकि आपके घर का सारा आइटम आपके हिसाब से या तो बैलेंस कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए या कुछ उस पे एड ऑन कर दिया जाए ताकि उससे आपके घर पे, आपके दिमाग पे उसके प्रभाव खत्म होने हुए नजर आए। चलिए धन्यवाद। माय नेम इज प्रीति सचदेवा फ्रॉम हिसार और ये जो कोर्स रहा है वो बहुत फ्रूटफुल रहा है। मैंने सर को ये बोला कि एक दिन और होता, वो इसलिए नहीं कि मुझे पूरा नहीं मिला, लेकिन ये कि वो मतलब बोलते रहे और मैं ज्ञान लेती रहूँ। मतलब ये कोर्स बहुत 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 अच्छा रहा एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कोर्स बहुत फ्रूटफुल रहा मेरे लिए और यहीं से अब जर्नी वास्तु की स्टार्ट है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस।